आज बच्चों, आज पहला क्लास हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कोशिश किया पढ़ाने का। उसमें मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पहला क्लास, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक, मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन तक, इसको हम एक बार समराइज कर देते हैं। अभी तो आपने पेन से मैं पढ़ा रहा था, आप देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर स्टूडियो नहीं है, घर पर है, इसलिए शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या होता है, फ्लावरिंग ऑर्गन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि प्लांट में फ्लावर होता है। फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, ध्यान सुनिएगा, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिस और कोरोला का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, एंडोसियम गाइनोसियम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। किसी किसी फ्लावर में एंडोसियम गाइनोसियम कोई एक ही होता है, लेकिन ज्यादातर प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन उसमें पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको, क्योंकि बाकी फ्लावर की चीजें आप 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, यहां पर भी जो जरूरत की चीजें मैं बता दे रहा हूं मॉर्फोलॉजी का। जैसे एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। एंडोसियम हमने क्या बताया कि एंडोसियम बेसिकली दो चीजों को बना होता है, एंथरलोब और फिलामेंट। एंथरलोब का ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एंथरलोब उससे अटैच होता है। एंथरलोब में, अब एंथरलोब के नंबर के बेसिस मैंने आपको अभी सिखाया कि दो चीजें होती हैं। अगर एंथरलोब की संख्या एक होगा तो उसको मोनोथिकस कंडीशन बोलेंगे, अगर एंथरलोब की संख्या दो होगी तो उसको डाइथिकस बोलेंगे। मोनोथिकस कंडीशन मतलब सिंगल एंथरलोब, यह केवल पाया जाता है मालवेसी फैमिली में, जो हमें फैमिली पढ़नी है उसमें से, और मेजॉरिटी ऑफ फैमिली जो हमें 12th में पढ़ना है वो उसमें डाइथिकस कंडीशन होता है। तो एक एंथरलोब का अगर बच्चों ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें दो आपको चैम्बर मिलेंगे, जिसको माइक्रोस्पोरिंजियल चैम्बर बोलते हैं। वो जो माइक्रोस्पोरिंजियल चैम्बर होते हैं, माइक्रोस्पोरिंजियल चैम्बर होते हैं, तो एक एंथरलोब में दो माइक्रोस्पोरिंग चैम्बर होगा, इसका मतलब मोनोथिकस कंडीशन को बाइस्पोरिंजियट कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि दो चैम्बर उसमें होगा। ऑब्वियसली अगर एक एंथरलोब में दो चैम्बर है तो दो लोब अगर होगा तो चार चैम्बर होगा, तो इसलिए डाइथिकस कंडीशन को टेट्राइस्पोरिंजियट कंडीशन कहा जाता है। एक्सेप्शन मैंने अभी आपको बताया पढ़ाते वक्त कि आर्सिथोबिया में प्लांट होता है जिसमें मोनोथिकस मोनोस्पोरिंजियट कंडीशन पाया जाता है। ये तो हुआ मॉर्फोलॉजी की। मैकेनिज्म की बात करें तो माइक्रोस पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल गैमेट कैसे बना, फिर पढ़ेंगे फीमेल गैमेट। इसमें हम लोग मेल गैमेट बनने की तक की ही पढ़ाई पहले वाले क्लास में देखे बताए हैं आपको, जो भी हमने पढ़ाया आपको। तो उसमें क्या हमने बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है, तो चारों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चैम्बर के कुछ हाइपोडर्मल सेल होते हैं जो बाकी हाइपोडर्मल सेल के तुलना में बड़े हो जाते हैं, उनको आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल में शुरू में एंटीक्लाइन डिवीजन होता है, फाइनली पेरिक्लाइन डिवीजन होता है, और जो पेरिक्लाइन डिवीजन होता है तो उसमें जो बाहर तरफ सेल बनता है उसको प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं, जो नीचे की तरफ बनता है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल एंथरवाल बनाता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोरिया पॉलिंग्रेन बनाता है। प्राइमरी पेराइटल सेल में हमने बताया कि प्राइमरी पेराइटल सेल फिर से डिवाइड करता है तो उसमें तीन लेयर बनता है, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टाइपिटम। इंडोथीसियम इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथरवाल विच आर पेराइटल इन ओरिजिन। हालांकि एंथरवाल में चार लेयर होता है, मैंने बार बार बोल रहा हूं, लेकिन तीन ही उन चार में से तीन लेयर पेराइटल सेल से बनते हैं। इंडोथीसियम का रेडियल और टेंडेंशियल वाल में अल्फा सेल्स की थिकनिंग होने की वजह से वह मोटा हो जाता है, वो बाहर वाले वाल में कोई थिकनिंग नहीं होती है। यह इरेगुलर थिकनिंग जो होती है इंडोथीसियम को, वह एंथरलोब के डेहिशंस में हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है इंडोथीसियम का हेल्प काम क्या है, तो डेहिशंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। मिडिल लेयर उसके बाद होता है, उसके जस्ट नीचे होता है, उसके जो सेल्स होते हैं इफीमेरल नेचर के होते हैं, उनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। उसके सबसे नीचे टाइपटम होता है, हमने टाइपटम के बारे में बताया कि यह इसमें इंडोमाइटोसिस होने की वजह से इसमें पॉलीप्लॉइडी आ जाती है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होते हैं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है, इंडोमाइटोसिस होता है, और टाइपटम में कोई एबनॉर्मलिटी आती तो वह एबनॉर्मलिटी सीधा सीधा पॉलीग्रेन में दिखने लगती है। इसलिए टाइपटम में कोई एबनॉर्मलिटी न आए एकदम लास्ट में पाया जाता है। और टाइपटम के दो तरह के होते हैं, अभी हमने बताया अमीबॉइड टाइपटम और ग्लैंडुलर टाइपटम। अमीबॉइड टाइपटम में क्या होता है कि जो मैच्योरिटी पर जो दीवाल होता है वो डिजेनरेट नहीं करता, सॉरी अमीबॉइड टाइपटम में जो उसका मैच्योरिटी जो दीवाल होता है वो डिजेनरेट करता है, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो माइक्रोस्पोर टिकटाक के चारों तरफ लग जाता है, और उसके अंदर एक चीज और होती है कैलेज एंजाइम, जो कि कैलोज को तोड़ता है। हालांकि अमीबॉइड टाइपटम का मेन काम न्यूट्रिशन होता है, किसको न्यूट्रिशन करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। दूसरा टाइपटम हमने बताया अभी पेराइटल टाइपटम या सिक्रेटरी टाइपटम या ग्लैंडुलर टाइपटम, उसमें एक यूबिस बॉडी होता है,
जो कि स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करता है, वही स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन के एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोपोलिन के बारे में कहा जाता है कि यह स्पोरोपोलिन हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, और इस पर कोई बैक्टीरिया या कोई भी फंजाई या किसी भी तरह से उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पोलन ग्रेन हजारों साल तक मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं और खत्म नहीं होते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिंग, जो कि केवल पेराइटल ट्रैक्टम के अंदर जो यूविज बॉडी होता है वो सिक्रेट करता है। इतनी बातें हम लोगों ने समराइज करके प्राइमरी पेराइटल सेल से जो तीन लेयर बने थे उसकी हुई। इसके बाद है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि आर्ची स्पोरो सेल के डिवीजन पेरिक्लाइन डिवीजन से नीचे की तरफ बनता है। वह मेगा स्पोर सॉरी माइक्रो स्पोर मदर सेल तरफ भी हेल्प करता है। उसमें दो तरह के मियोसिस होता ही है और चार माइक्रो स्पोर बनते हैं, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट होता है दो तरह का होता है, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अल्टरनेट सॉरी कंटिन्यू होता है, और उसमें जो टेट्राइड बनता है वो आइसोबाइलेटरल टेट्राइड होता है और वह मोनोकॉट में होता है, जबकि साइमल्टेनियस टाइप जो डेवलपमेंट होता है वह डाइकॉट में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल टेट्राइड होता है, थ्री डायमेंशनल टेट्राइड होता है, और इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जो होता है वह सक्सेसिवली होता है। तो डाइकॉट में टेट्राहेड्रल टेट्राइड और मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल टेट्राइड। हालांकि दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है तो चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक एग्जांपल एक मैंने एक्सेप्शन भी आपको बताया कि एरिस्टोलोकिया एक प्लांट होता है जिसमें पांच के पांचों तरह के टेट्राइड पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है। इसके बाद हमने बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस क्या है। हमने आपको बताया कि जब तक वो कैलोज के अंदर होगा तो उसको हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जैसे ही कैलोज टूटेगा वो बाहर आएगा उसको हम पोलन ग्रेन कहने लगते हैं। बस यही अंतर है, बाकी स्ट्रक्चरली सिमिलर है एकदम। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो लेयर होते हैं, दो वाल होता है, एक्साइन और इंटाइन। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। एक्साइन में भी दो लेयर होता है, एक्ट एक्साइन और इंड एक्साइन। बाहर वाला लेयर को एक्ट एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को इंड एक्साइन बोलते हैं। जो एक्ट एक्साइन होता है उसमें तीन लेयर बनकर मिलकर बना होता है, उसे तीन लेयर बनते हैं, टेक्टम बेकुलम और फुट लेयर। और जो पोलन ग्रेन का इनर लेयर होता है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो कि पेक्टोसिलोज का बना होता है। हाँ, पोलन ग्रेन में जब वो डेवलपमेंट उसका हो जाता है तो पोलन ग्रेन में माइटोसिस होती है, उसके न्यूक्लियस में दो अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं। जो छोटा सेल होता है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, जो बड़ा वाला सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और ये इसी टू सेल स्टेज में ज्यादातर केस में पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद जो वेजिटेटिव सेल होता है वह पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वह उसमें फिर से माइटोसिस होती है और दो मेल गैमिट बनाता है जो कि नॉन मोटाइल होता है दोनों मेल गैमिट। इसका मतलब एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमिट बनते हैं और आफ्टर टू माइटोसिस। ये रहा बच्चों अभी तक का मेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। धन्यवाद, थैंक यू।